जफर इस्लाम साहब, सवाल यह है कि जो भी नेता जिस पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो बीजेपी में आता है, तो उस पर दाग कैसे धुल जाते हैं? वो दाग कौन से वॉशिंग पाउडर से आप लोग धो देते हैं? साधारण तरीके से बोलता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी किसी को दंडित नहीं कर सकती है जिसने भ्रष्टाचार, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस को हो, बीजेपी को हो, जिस भी पार्टियों को हो, किसी का भी, दंडित करने का काम जो है ऑनरेबल कोर्ट का है। मैं दो अहम बातें कहूंगा ज्योति पटवारी जी को। पहली बात कि अगर उनको लगता है कि बीजेपी में कोई भी ऐसा आदमी हो जिसके पास कोई करप्शन किया, कोई भी आदमी बोल रहा करप्शन किया हो और उनके पास दस्तावेज है, आप ढंग से सुनिएगा, तो वो कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते, किसी ने रोका नहीं, कोर्ट दंडित करता। दूसरी बात कि अगर नारायण राणे हैं, अगर शुभेंदु अधिकारी हैं, अगर वाकई उन लोगों ने आपके नजरों में करप्शन किया था तो आप उनको निकाला क्यों नहीं भाई? हम तो कोर्ट पे नजर है, एजेंसी अपना काम करते हैं, एजेंसी में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मुकुल राय आए थे यहाँ पर, मुकुल राय पर तब भी एजेंसियों ने सवाल किए, खड़े किए, OCBI में ने समन किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि CBI अपने दस्तावेज को लेके इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निकलता है, कोर्ट में क्या जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, हमारी सरकार में के बारे में कोई कोर्ट ने ऐसा कैसा ऑब्जर्वेशन नहीं दिया जो केज पैरेट, जो तोता बंद था, जो इशारे पे घूम रहा था, वैसा किसी ने दिया। हमने बिल्कुल एजेंसीज को जो काम करना है, जिसके लिए उसको बनाया गया है, वो उसके पूरे अपने ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से अपने इंडिपेंडेंट होके बिल्कुल काम करे, चाहे कोई हो देश में भ्रष्टाचार कर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। अगर आ रही हूं जीतू पटवारी जी, अब उनको अपना जवाब तो पूरा करने दीजिए, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देने दीजिए। लेकिन आपने अपनी जगह तो कभी निकाला नहीं इन लोगों को, यहाँ आ गए तो करप्शन वाले हो गए और आपके आते तो बहुत ये थे। अरे भाई कोर्ट डिसाइड करेगी, हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते। हमें जो लगा उस वक्त हमने बोला, आज आपको लगता है तो आप निकाल के दस्तावेज दो, कोर्ट में जाओ। चलिए जीतू पटवारी जी, एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट उठाया है अब जफर इस्लाम साहब, कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ भी दागी हैं, अगर हमारे नेताओं पर आपको लग रहा है भ्रष्टाचार उन्होंने किया है या जिन पर पहले जांच थी वो बंद हो गई है, तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं तमाम फैक्ट्स और दस्तावेज को लेकर? क्यों नहीं बताते हैं कि देखिए गलत इस्तेमाल हो रहा है जांच एजेंसियों का, ये नेता हैं जिनकी जांच होनी चाहिए? खुद जानते हैं कि इनके जफर जी, अब आपने बोला हम सुने, ये गलत बात चाची ये बोले, हम बोलिए ना, हम तो सुना। अब सर सवाल उनसे है, एक बार उनको बात रखने दीजिए। आइए जीतू पटवारी जी, मेरा अनुरोध ये था कि बिल्किस बानो को कोर्ट के माध्यम से दोषियों को सजा मिली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी सजा माफ की, ये इनका असली चरित्र। एक केस से उदाहरण दे रहा हूँ, इससे पहले ये जितनी बातें करते हैं कोर्ट के फैसले कैसे मैनिपुलेट होते हैं हमसे बेहतर आप समझते हैं प्राची, मीडिया समझती है और उससे साथ ये भी समझते हैं। दूसरी बात जो आपने अभी कहा था विदेशी मुद्रा भंडार का, मैंने गूगल पे सर्च करा है, इसी बीच में 26 अगस्त को जो सप्ताह समाप्त हुआ उसमें 3.007 अरब डॉलर घटकर 561.046 अरब डॉलर रह गया है, जो ये गिरावट का आंकड़ा इस दो साल में सबसे निचले स्तर पर है। एक दूसरा आंकड़ों में, हाँ दो ये गूगल पे से सर्च हो रहा है, भारत सरकार की वेबसाइट पूरी बात सुनो जफर। नहीं भैया, ये मेरी प्राची मैं पूरी बात करूंगा, ये बीच में नहीं बोलने दूंगा, प्राची हाँ तो उनको चुप करो, शांति से देश को पता चलना चाहिए कि ये समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग टीवी पे आके कैसा झूठ बोलते हैं, देश को समझ में आना चाहिए प्राची कि ये झूठ बोलने के लिए टीवी पे आते हैं। मैं आपसे पहले मेरी पूरी बात होने दे। फिर आर्थिक मोर्चे पर जब पूरी तरह फेल होने वाली सरकार, मेरी प्राची पूरी बात होने दे प्राची, अगर इस तरीके से बात होगी तो नहीं होगी प्राची। आपने सवाल खड़ा किया एंकर ने तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, मैं सुन रही हूँ, तो ये चुप करो उनको शांति से हमने शांति से सुनी उनकी बात। फिर दूसरा, आंकड़ों के मुताबिक स्वर्ण भंडार 27.1 करोड़ डॉलर घटकर 39.643 रह गया, जो पिछले 3 सालों में सबसे नीचा है।
तीसरी बात, एक और तीनों के जवाब एक साथ देना। जो भारत सरकार का कर्ज 2022 के अंत में एक साल पहले की तुलना में 8.2% बढ़कर 620.7 अरब डॉलर हो गया है, जिसका 53.2% हिस्सा डॉलर और 31.2% हिस्सा भारतीय रुपए में है। मतलब भारत कर्जदार हो रहा है, विदेशी मुद्रा घट रही है, स्वर्ण भंडार घट रहा है और इनको विकास दिख रहा है। सवाल ये है। पहली बात तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं जीतू पटवारी जी, कि जो मैंने आंकड़े दिए थे मैंने उसमें ये बताया था आपको कि 2022 में 2021 के कंपैरिजन में विदेशी मुद्रा भंडार हमारा घटा है, लेकिन 2014 की अगर आप तुलना करेंगे तो उससे अभी भी हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ा हुआ है। मैंने ये कहा था सर आपसे, मैंने पहले ही कहा था कि 2021 से घटा हुआ, लेकिन मैंने साल में 5 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था करनी थी प्राची। मैं आ रही हूँ सर, जो वादे देश को किए थे, भ्रष्टाचार पर आपने तर्क दिया वो मुझे समझ नहीं आया। आप ये कह रहे हैं कि देश के न्याय है, देश के कोर्ट्स पर आपको यकीन नहीं है। जीतू पटवारी जी सुनिए ना, एक एक करके बात कर रहे हैं ना, एक एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। जीतू पटवारी जी अगर बोलते चले जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा ना, एक एक करके चीजों पर बात कर रहे हैं हम। एक सेकंड जफर इस्लाम जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। जीतू पटवारी जी सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, आपने कहा आपको बहुत कम समय देते, पहले सवाल का जवाब देने दीजिए। जफर इस्लाम जी एक सेकंड आप दीजिए ना सवाल, आप ही का सवाल इन तक लेकर जा रही हूँ। भ्रष्टाचार पर उन्होंने कोर्ट पर सवाल उठाए ना, भ्रष्टाचार का जवाब देता हूँ। जफर इस्लाम जी उठाइए, जीतू पटवारी जी आपका आपका समय हो गया। जफर इस्लाम जी आप बोलिए। चलो मैं देखे सुन रहा था इनके सवाल का। पहली बात इनको बता दो कि दुनिया में कुछ ही मजबूत देश हैं, बगल बगल में देखिए कैसे हो रहे, कंट्री कैसे लुढ़क रही है, यूरोप में कई कंट्री लुढ़क जाएगी इसलिए कि जो आज विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ है वो 13 महीने के लिए, ये अपने आप पे दर्शाता है 13 महीना का बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए जो है हमारे पास भंडार है। दूसरी बात क्या, अगर ये कह रहे हैं कि मुद्रा घटा है तो कंपेरेटिवली थोड़ा घटा है, इसलिए कि वो अगर अगर इन्वेस्टमेंट बाहर लोग लेके जाते हैं तो घटता है, फिर वापस भी आ जाता है, तेजी से वापस भी आ रहा है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि 3 नंबर की इकोनॉमी थी, इस सपना में कहां से आ गया मालूम नहीं, 11वें नंबर की इकोनॉमी आज 5वें नंबर पे है। यूनाइटेड किंगडम को हमने पीछे छोड़ा है, आगे हम जापान और जर्मनी को भी छोड़ेंगे और 3रे नंबर पे इकोनॉमी बन जाएंगे। चौथी बात आपको बता दूं कि देश में जो आप बार बार बोल रहे हैं, देश में अर्थव्यवस्था सिर्फ स्ट्रांग हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जरा सा रिपोर्ट निकाल के पढ़ो ना, जरा IMF की रिपोर्ट पढ़ो और IMF की पूरी दुनिया की रिपोर्ट आई है, उसमें ऐसा लगता है कि एक ही ब्राइट स्पॉट है, एक ब्राइट स्पॉट वो भारत है, जिसके हर मापदंड पे जो है, और उसकी वजह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सही फैसले, कड़वे फैसले, अच्छे फैसले सब जो है देश हित में, देश की जनता के हित में लिए। अब जो आता है करप्शन पे बात, देखिए ये करप्ट पार्टी है कांग्रेस पार्टी, यहां पर लोग जो है करप्शन करते हैं, डरते हैं। हम तो खुला खुला बोल रहे हैं सीधा ठोक के कि भाई तुम्हारे पास कुछ है दस्तावेज लेके जाओ कोर्ट में, और हम तो मेरा काम है एज अ पॉलिटिकल पार्टी लोगों के बारे में अगर कुछ मिलता है तो हम आवाज उठाएंगे। सलाम जी, आप किसी चैलेंज का जवाब में जीतू पटवारी जी से लेना चाह रही थी कि कोर्ट पर ही उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं है, लेकिन मेरे पास माफी के साथ सर मैं आप बीच में आप लोगों को रोक रही हूं, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, इससे ज्यादा समय मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर।